देखते हैं इसका वन का सेवन नंबर। सेवन नंबर में देखिए एपी दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, बाई में आपका एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स माइनस का टू वाई, बाई में एक्स प्लस वाई, फिर है आपका फाइव एक्स माइनस का थ्री वाई, बाई में एक्स प्लस वाई। ये कहाँ तक कह रहा है? टू एन टर्म्स तक। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू तो वो है आपका एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, यानी कि थ्री एक्स माइनस का टू वाई बाई में एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई। या एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस का वाई, थ्री एक्स माइनस का टू वाई और फिर माइनस दे के एक्स माइनस वाई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। डी इक्वल टू में थ्री एक्स माइनस का टू वाई माइनस का एक्स प्लस का वाई बाई में आपका एक्स प्लस वाई। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस का वाई और बाई में एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम लोग क्या निकाला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ना, तो ऐसे इक्वल टू में क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन और इन टू में डी। चलिए अब इनके वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। चलिए एन की जगह एन ही रहने दो, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है आपका एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस का वाई, यही ना है जी, प्लस एन माइनस वन और इन टू में डी की जगह पे क्या है यहाँ पे टू एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई, इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिनोमीटर में है ना, इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, एन बाई में टू इन टू में एक्स प्लस वाई, अंदर बच जाएगा टू इंटू में एक्स माइनस वाई और प्लस का एन माइनस वन इंटू में टू एक्स माइनस का वाई। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। एन बाई में टू इंटू में एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए ऊपर टू एक्स माइनस का टू वाई प्लस का एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स माइनस वाई को एक ही साथ रखते हैं और माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस का टू एक्स और यहाँ प्लस का वाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ 2x से 2x कैंसिल, अब देखिए क्या हो जाएगा n बाई में 2 इंटू में x प्लस का y और इंटू में यहाँ पर n इंटू में 2x माइनस का y और माइनस टू वाई और प्लस का y तो माइनस वाई हो जाएगा। यही आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, फाइंड द सम